कैंसर की एक प्रॉपर्टी होती है नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक मीन्स जो कैंसर के सेल होते हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं नॉर्मल सेल से। हेलो हाय एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग सो वेल। सो एज वी वर ऑलरेडी डिस्कस्ड PYQ इन अवर सम प्रीवियस लेक्चर, इन दिस सेशन वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट अ PYQ। ओके, सो वॉट PYQ वी आर गोइंग टू डिस्कस, सी वी आर गोइंग टू डिस्कस गिव एन अकाउंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन टेरेटोजेनेसिस, एंड दिस PYQ वॉज आस्क्ड इन द ईयर ऑफ 2018। So in this video, I'm going to discuss about the process of teratogenesis and how teratogenesis happens. Okay, if something has happened, so there is reason behind it, and teratogenesis happens because of the teratogens. Okay, so these all things I'm going to discuss with you. Let's start with the video. So see, teratogenesis. If teratogenesis is means what? If a newborn baby is born with some kind of anomalies, it could be a physical and it could be in an internal organ, okay? And ho sakta hai ki this anomalies happens in during the time of embryonic development, uski wajah se proper heart ka septa na bana ho, koi proper organ ka formation na hua ho, and ye kyun hua? Because of the teratogens. Ab ye jo teratogens hote hai na, ye aapke physical bhi ho sakte hai, physical mein जैसे टेम्परेचर से मदर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम्स एक्सपोजर थी, लाइक मदर इज सफर फ्रॉम दी हाइपरथर्मिया और इफ शी इज एक्सपोजिंग विद दी हायर टेम्परेचर, ओके, या मदर ने एक्सरे रे से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई है, सो उस टाइम पे ये जो फिजिकल फैक्टर्स है दे एक्ट लाइक अ टेरेटोजेंस एंड कॉज एनोमलीज इन एन फीटस, ओके। एंड हो सकता है कि लाइक मदर इज चेकिंग एल्कोहल और स्मोकिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और ये भी हो सकता है कि लाइक कोई ड्रग्स ले लिया, कोई प्रॉब्लम हुआ उस टाइम पे और ड्रग ले लिया। सो जनरली जो मदर कंसीव करती हैं उस टाइम पे अगर उनको कोई इशू आता है, इज देयर एनी प्रॉब्लम लाइज इन देयर बॉडी एंड दे गो फॉर अ मेडिकल अटेंशन, सो डॉक्टर हमेशा उनसे पूछता है कि विच मंथ इज गोइंग ऑन, बिकॉज वी हैव सम सर्टेन ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच वी आर नॉट एबल टू गिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज दे बिहेव लाइक अ टेरेटोजेंस। इफ इट इज बिहेव लाइक अ टेरेटोजेंस देयर विल बी अ प्रोबेबिलिटी द बेबी बॉर्न विद द डिफेक्ट्स ओनली, ओके। सो टेरेटोजेनेसिस इज वॉट? इट इज अ कंजेनाइटल, जस्ट अ सेकेंड, it is a congenital anomaly in an embryo or fetus developmental disorder present at the time of birth, okay? The critical period of gestation is second and fifth week of pregnancy. This is a crucial period and here we are avoided like drugs, ki mother ko drugs na de, and agar kisi like agar hum like rarely drugs prescribe karte hain kyunki hame pata hota hai agar hum drugs prescribe karenge so it will going to behave like a teratogens. So teratogens are what? These are the agent causing congenital defects, okay? अब देखो जो ये टेरेटोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं, इट कुड बी अ जेनेटिक एंड इट कुड बी अ इंड्यूस्ड। जेनेटिक्स मीन्स देयर इज अ सम प्रॉब्लम इन जीन्स, या तो जीन्स में म्यूटेशन हुआ है या डिलीटेशन हुआ है। एंड अगर इंड्यूस्ड टेरेटोजेनेसिस, इंड्यूस्ड टेरेटोजेनेसिस, इंड्यूस्ड मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना, इंड्यूस्ड टेरेटोजेनेसिस फैक्टर्स लाइक फिजिकल फैक्टर्स एज आई टोल्ड यू, लाइक टेम्परेचर एक्सपोजर, एक्सरे एक्सपोजर, ओके, और मैंने आप लोगों को बताया अल्कोहल, स्मोकिंग, क्लियर? दीज आर सम टेरेटोजेंस इंड्यूस्ड वन। यू कैन सी हियर फिजिकल, ड्रग्स एंड एंटी स्टिमुलेंट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी ड्रग्स एंड केमिकल्स एज अ टेरेटोजेंस। First, I'm going to discuss this ACE inhibitors. ACE is what? Angiotensin converting enzyme. Okay, अगर आपको पता होगा हमारी बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 का काम होता है बीपी को कंट्रोल कराने के लिए, ओके, सो जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हम उनको ACE inhibitors प्रोवाइड करते हैं, क्लियर? बट हम ये सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मदर को नहीं दे सकते हैं। Why? क्योंकि अगर आप ACE inhibitors उस टाइम पे मदर को दोगे, सो देयर विल बी अ प्रोबेबिलिटी दैट बेबी बॉर्न विद द एनोमलीज, एंड ये एनोमलीज हो सकता है किडनी डैमेज हो सकता है या लिम्स का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके, सो दैट्स व्हाई वी अवॉइडेड सम सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग्स, ओके।
So ACE inhibitors can't give during second and third trimester. Okay? And ACE inhibitor का काम होता है to control BP. BP is like your blood pressure. Okay? So we can't give second and third trimester. And इसका काम क्या करेगा? They may cause kidney damage. They may cause the kidney damage and also they decrease the amniotic fluid, जिसकी वजह से premature delivery के chances ज़्यादा हो जाएंगे. They decrease the amniotic fluid and इसकी वजह से क्या होता है, आपके क्या होते हैं जो limbs होते हैं उनमें malformation हो सकता है. There will be a chances of the malformation in limbs. Okay? अब now you can see that anticoagulants are the one which prevents the clotting. Okay? Anticoagulants are responsible to form a blood clot. Okay? Naturally आपके body में क्या होता है, heparin होता है, but हमने अपनी class में discuss किया था कि heparin and warfarin को artificially lab में भी prepare किया जाता है. एक drug होती है आपकी anticoagulant में warfarin. Warfarin, why we can't give during the time of pregnancy? क्यों avoid करते हैं? अगर आपने इसको warfarin को first trimester में दिया, so it can cause the hypoplasia. If warfarin give during the first trimester of pregnancy, अगर आप ये first trimester में दोगे तो ये बच्चे के अंदर क्या कर देगा, nasal hypoplasia. It can cause the nasal hypoplasia and ये दूसरा क्या करेगा, depression in nose cleft. Yes, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो nasal cleft होता है उसमें क्या कर दिया, यहाँ पर depression. Okay, so it causes the problems like that. Okay, so अगर warfarin देंगे तो it suffer from the कि nasal depression cleft कर देगा. And जो syndrome देखो, एक से ज़्यादा syndrome हो रहे हैं, या तो nasal hypoplasia हो गया है या depression हो गया है nasal cleft में. Yes, या बोल सकते हो there's a depression in nasal bridge, or you can say that there's a depression in nasal bridge. Okay, nasal bridge में क्या हो गया है, depression हो गया है. And इसको हम क्या बोलते हैं, वारफरीन फीटल सिंड्रोम. ओके, दिस इज नोन एज ऑल्सो वारफरीन फीटल सिंड्रोम. क्लियर? सो इस तरह का नेसल फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा इफ सम मदर इज टेकिंग वारफरीन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. जो नेसल डिप्रेशन होता है, मींस जो ये नेसल ब्रिज है ये डिप्रेस्ड हो जाएगा, सिर्फ इतना पोर्शन आपको एक्सपोज होके दिखेगा, या आपको ऐसे लगेगा क्लेफ्ट, मींस अलग अलग पार्टीशन दिखेंगे एक्सटर्नल नेयर्स के. क्लियर? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हेपेरिन. ओके, हेपेरिन अगर कंटिन्यू चल रहा है, हेपेरिन का डोज अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक चल रहा है तो ये बच्चे में जॉन्डिस कॉज करा सकता है. ओके, सो हेपेरिन अगर प्रोलॉन्ग यूज्ड में चल रहा है, अगर हेपेरिन का प्रोलॉन्ग यूज्ड है तो इसकी वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन प्लेटलेट्स डिक्रीज कर जाएंगे एंड देयर विल बी अ चांसेस ऑफ द जॉन्डिस के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे. पर शर्त इस कि अगर प्रोलॉन्ग यूज है. अब एंटी डिप्रेसेंट्स आर मोस्ट कॉमन नाउअडेज. यस, लाइक इफ मदर इज इन डिप्रेशन एंड शी इज टेकिंग एंटी डिप्रेसिंग, देयर विल बी अ लाइक माल फॉर्मेशन हैपेंस इन अ बेबी डिजिट्स. ओके, उसके लिम्स में माल फॉर्मेशन हो सकता है, उसमें मेंटल रिटार्डेशन लाइक इशू हो सकते हैं. सो एंटी डिप्रेसेंट्स को भी उस टाइम पे अवॉइड किया जाता है. ओके, सो एंटी डिप्रेसेंट में क्या होता है, देयर इज अ डिफेक्ट इन हार्ट
एंड लेबर, एंड दूसरा क्या होगा, द बेबी हैव अ मेंटल रिटार्डेशन लाइक इश्यूज, ओके, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, एंड द बेबी बॉर्न विद द डायबिटीज इंसिपिडस, द बेबी बॉर्न विद द डायबिटीज इंसिपिडस. Okay, there are two type of diabetes. One is diabetes insipidus and the another one is diabetes mellitus. Diabetes mellitus is two type, the IDDM and NIDDM. Means insulin dependent diabetes mellitus and NIDDM what? Non-insulin dependent diabetes mellitus. So, यहाँ पता चलता है कि यहाँ insulin का कुछ role है, इसलिए type 2 diabetes हो रही है, जिसे हम diabetes mellitus बोल रहे हैं. अगर किसी को डायबिटीज इंसिपिडस होता है तो वो एक हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, एंड द हार्मोन नेम इज वैसोप्रेसिन. ओके, अगर मदर उस टाइम पे एंटी डिप्रेसेंट लेती है थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी, तो उस समय बच्चे के अंदर वैसोप्रेसिन का अमाउंट कम हो जाता है, जिस वजह से द बेबी सफर फ्रॉम द डायबिटीज इंसिपिडस लाइक इशू. ओके, नेक्स्ट है आपकी टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन बेसिकली आपकी एंटीबायोटिक है, एंड अगर टेट्रासाइक्लिन का यूज किया जाता है मदर को देने में, लाइक मदर को इन्फेक्शन है, टेट्रासाइक्लिन दिया जा रहा है, सो इट डैमेज द डेंटिन लेयर. डेंटिन लेयर को ये डैमेज कर देगी, इनामल को डैमेज करेगी, एंड इट लीड्स टू कैविटीज. कैविटीज को लीड करेगी, क्योंकि देखो अगर मैं आपको एक टूथ की स्ट्रक्चर ऐसे बनाकर दिखाऊं, सो जो ये अपर लेयर ऑफ टूथ होता है, दिस इज इनामल विच कंटेन्स 90% ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, देन आपका डेंटीन की लेयर होती है, देन आपका पल्प का लेयर होता है. यस, अभी इनामल एंड डेंटीन को डैमेज करेगा, क्लियर, एंड बच्चे में जो पल्प होगा वही उसका फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से कैविटीज के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. एंड अगर ये डैमेज होगी, इसकी वजह से देयर इज अ परमानेंट येलोइंग टीथ. बच्चे के जो टीथ होंगे वो कैसे आएंगे, एकदम डार्क येलो कलर. आप यहाँ पर देखो, व्हेन अ बेबी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ टीथ, द कलर ऑफ टीथ इज क्वाइट येलो इन कलर. ओके, सो ये येलोइंग टीथ कॉस्ट करता है, क्लियर. अब आपका जैसे कार्बेमाजोल हो गया एंड मिथामाइजोल हो गया, इससे क्या होता है, ये इनलार्ज करता है थायराइड ग्लैंड को. इट इनलार्ज द थायराइड ग्लैंड, एंड जिसकी वजह से फ्यूचर में इट विल लीड टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड. ओके, नेक्स्ट होते हैं आपके सोडियम वैल्पोरेट. अब जो सोडियम वैल्पोरेट होते हैं, बेसिकली सोडियम वैल्पोरेट का काम होता है बाइपोलर एपिलेप्सी डिसऑर्डर को ट्रीट करना. ओके, जो सोडियम वैल्पोरेट होते हैं, इनका काम होता है टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करेंगे, एपिलेप्सी को ट्रीट करते हैं. अगर कोई मदर सोडियम वेल्परेट लेती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, सो उसमें क्या होता है, एनोमलीज मिलेगी बच्चे के हार्ट में देखने के लिए. ओके, देयर इज अ एनोमलीज इन हार्ट, हार्ट फॉर्मेशन में एनोमलीज मिलेगी, फेस में देखने के लिए मिलेगी, स्कल में देखने के लिए मिलेगी, एंड क्लेफ्ट लिप्स देखने के लिए मिलेंगे, क्लेफ्ट पैलेट देखने के लिए मिलेगा. ओके, लिप्स और पैलेट प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा, यू कैन सी हेयर, ये क्या है, क्लेफ्ट लिप. ओके, एंड ये आप जब देख रहे हैं एंड द बेबी ओपन्स योर माउथ, तो यहाँ पर आपको ये क्लेफ्ट पैलेट भी दिखाई दे रहा है. ओके, एंड इट विल बी ट्रीटेड बाय द हेल्प ऑफ अ सर्जरी, एंड दिस सर्जरी कम्स अंडर द कॉस्मेटिक पार्ट. ओके, ऐसा नहीं है ट्रीट नहीं होगा, येस बट हो जाएगा, बट ये क्लेफ्ट पैलेट जैसे दिखेंगे, क्लियर. एंड अभी एस्पिरिन आर ब्लड थिनर्स. If mother is taking aspirin during the time of pregnancy, so ये बच्चे में क्या कॉज करेगा, जॉन्डिस कॉज करेगा. ओके, एंड ये क्या करेगा, जो स्कल का फॉर्मेशन है उसमें क्या करेगा, ब्रेन डैमेज भी कर सकता है. देयर इज अ ब्रेन डैमेज इन फीटस, ब्रेन डैमेज इन फीटस. सो सी हाउ डेंजर दिस ड्रग्स आर. सी आई नो दीज आर बेनिफिशियल, बट दे are like a curse to a baby during the time of pregnancy if mother is taking, because it behave like a teratogens. Okay, antibiotics like your
क्लोरामाफेनेकॉल. क्लोरामाफेनेकॉल बेसिकली वी आर यूजिंग टू ट्रीट आई इन्फेक्शन. जस्ट अ सेकेंड. क्लोरामाफेनेकॉल वी आर यूज टू ट्रीट आई इन्फेक्शन. अगर मदर ये क्लोरामाफेनेकॉल लेती है टू ट्रीट हर आई इन्फेक्शन, इसकी वजह से बेबी में ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है. क्या देखने के लिए मिलेगा? ग्रे बेबी सिंड्रोम. अब देखो, ग्रे बेबी सिंड्रोम में पल्मोनरी एक्टिविटीज अफेक्ट हो सकती है, साइनस देखने के लिए मिल सकता है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, साइनोसिस, ब्लू कलर, फिर ब्लू से डार्क कलर. क्लियर? जैसे जैसे बॉडी में लाइक प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं होता गैसेस का, सो CO2 बढ़ता जाएगा, जिससे साइनस वाली कंडीशन आएगी, साइनोसिस जिसे बोलेंगे, एंड लेटर ऑन इट विल लुक इनटू द ग्रे इन कलर. ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ योर व्हाट, ग्रे बेबी सिंड्रोम. द नेक्स्ट यू हैव स्ट्रेप्टोमायोसिन. स्ट्रेप्टोमायोसिन बेबी में क्या कॉज कर सकता है? उसके ईयर डैमेज कर सकता है. इट डैमेज द ईयर, एंड इसको लेने से बच्चे में परमानेंट डीफनेस भी हो सकता है. इट विल लीड टू द परमानेंट डीफनेस. ये क्या करेगा? परमानेंट डीफनेस कॉज कर देगा. नेक्स्ट होता है आपका सिप्रोफ्लॉक्सिन. सिप्रोफ्लॉक्सिन लेने से बच्चे में जॉइंट एबनॉर्मेलिटीज हो सकता है. There's a joint abnormalities in a baby. Okay? Next होते हैं आपकी anti-neoplastic drugs. Anti-neoplastic drugs are those drugs which control the growth of cancer cells. Okay? Cancer की एक property होती है neoplastic. Neoplastic means जो cancer के cell होते हैं वो अपने आप को transform कर लेते हैं normal cell से. देखो, नॉर्मल सेल्स आपका ओवल होता है शेप में, और उसकी जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होती है वो कंट्रोल्ड होती है. बट जो आपका कैंसर सेल होता है कम्प्लीटली राउंड होगा शेप में, और उसकी जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होती है वो अनकंट्रोल्ड होता है. इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड. ओके, तो उस टाइम पे अब कंट्रोल करना है सेल्स की ग्रोथ को. सो अगर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग चल रही है, जैसे ब्यूसलफेन चल रहा है. ब्यूसलफेन इज एन कीमोथेरेपी ड्रग. ओके, अगर ब्यूसलफेन चल रहा है सो ब्यूसलफेन विल लीड टू प्री मेच्योर डिलीवरी. ब्यूसलफेन लेने का सबसे कॉमन कॉज होता है प्री मेच्योर डिलीवरी. ओके, जिसमें हो सकता है बेबी सर्वाइव भी ना करें. क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका क्लोरामाब्यूसिल. क्लोरामाब्यूसिल क्या करता है बच्चे में? मेंडिबल ग्रोथ को रिटार्ड करेगा. मेंडिबल ग्रोथ को रिटार्ड करेगा. ओके, बच्चे में प्रॉपर मेंडिबल नहीं बनेगा, एंड क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है बेबी में. ओके, मेंडिबल ग्रोथ रिटार्ड होगी, मेंटल एंड क्या होगा? क्लेफ्ट पैलेट. नेक्स्ट है आपका थैलिडोमाइड. अब ये जो थैलिडोमाइड है बेसिकली ये लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए बनाया गया था. जो ये थैलिडोमाइड है बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट द लेप्रोसी. बट हमने देखा कि थैलिडोमाइड सेल ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, सो वी आर यूजिंग इट एज अ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग. ओके, अब ये इस क्या करता है? जो लिम्स होता है उनको प्रॉपर नहीं बनने देता. अगर मदर थैलिडोमाइड ले रही है तो बच्चे में कैसे लिम्स दिखेंगे? सील लिम्स. एंड सील लिम्स फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? फोकोमीलिया. वी से दैट फोकोमीलिया. ओके, द लिम्स लुक्स लाइक दैट. आप देखो यहाँ पर आपको ऐसे लग रहे हैं सी के लिम्स होते हैं. आपने सील देखी है? सील के लिम्स जैसे लगते हैं. आप यहाँ देखो, यहाँ तो लिम्स का प्रॉपर फॉर्मेशन ही नहीं है. सो ऐसी कंडीशन के साथ जो बच्चा पैदा होता है हम बोलते हैं फोकोमीलिया, एंड फोकोमीलिया का कॉज होता है थैलिडोमाइड ड्रग्स. ओके, नेक्स्ट होती है आपकी रेटिनोइक एसिड. रेटिनोइक एसिड भी क्या करता है? ये आप कंट्रोल करता है सेलुलर ग्रोथ को. इट इज रेटिनोइक एसिड. इट कंट्रोल द सेलुलर ग्रोथ. ओके, तभी हम इसे एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स में यूज करते हैं. बट इफ मदर इज टेकिंग रेटिनोइक एसिड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर प्रेगनेंसी, सो इट इनिबिट द एंटीरियर एंड posterior axis formation. Okay, it inhibits the anterior and posterior axis formation. Clear? So that's it for the today. So these all are the drugs.
which having a side effects on the embryonic development and it having a impact on a baby. Okay, you can see हमने यहाँ से start किया था. So एज से क्या होगा, बच्चे में किडनी डैमेज हो सकती है, amniotic fluid decrease, माल फॉर्मेशन हो सकता है लिम्स में. अगर एंटीकॉगुलेंट्स में वारफरीन यूज कर रहे हैं तो ये फीटल वारफरीन सिंड्रोम कॉज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नेजल हाइपोप्लेसिया हो सकता है एंड आपको ऐसे डिप्रेशन दिख सकती है नेजल ब्रिज में. क्लियर? एंड अगर हेपारिन का प्रोलॉन्ग यूज दिख रहा है तो प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाएगा, जॉन्डिस देखने के लिए मिलेगा. एंटी डिप्रेसेंट चल रहा है तो बच्चे में डैमेज हो सकती है उसका हार्ट, लीवर, और क्या हो सकता है इसमें, डायबिटीज, इंसिपिडस देखने के लिए मिलेगा. अगर टेट्रासाइक्लिन चल रहा है तो ये डेंटिन की लेयर को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से परमानेंट येलोइंग टीथ नजर आएंगे, यू कैन सी इन द पिक्चर. अगर कार्बेमाजोल एंड मिथामाइजोल चल रहा है तो ये थायराइड ग्लैंड को इनलार्ज कर देगा फ्यूचर में, जिससे म्यूटेशन के चांस हो सकते हैं एंड इट विल लीड टू द कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड. अगर सोडियम वेलपोरेट चल रहा है, बेसिकली ये बाइपोलर एपिलेप्सी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है. अगर मदर ले रही है तो उसमें बच्चे के हर्ट में, फेस में, स्कल में एंड ऐसे क्लेफ्ट लिप्स एंड क्लेफ्ट पैलेट जैसे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकते हैं. एस्पिरिन अगर चल रहा है मदर में, कंटिन्यू है, रोका नहीं गया प्रेगनेंसी में, तो बच्चे में जॉन्डिस हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है. ओके, अगर एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, क्लोरामाफेनेकोल लाइक जो हम आई इन्फेक्शन में यूज करते हैं, तो उसमें बच्चे में ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है. स्ट्रेप्टोमाइसिन बच्चे में परमानेंट डीफनेस का रीजन बन सकता है बिकॉज इट डैमेज द ईयर. एंड सिप्रोफ्लैक्सिन क्या करेगा, जॉइंट एबनॉर्मेलिटीज कॉज कर सकता है. नेक्स्ट होते हैं आपकी एंटीनियोप्लास्टिक विच इज यूज टू ट्रीट कैंसर. अगर ब्यूसुलफेन चल रहा है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी होगा. क्लोरामाब्यूसिल चल रहा है तो मैंडिबल ग्रोथ और क्लेफ्ट पैलेट जैसी प्रॉब्लम नजर आएगा. थैलिडोमाइड आई टोल्ड यू लाइक कि ये लेप्रोप्सी को ट्रीट करने के लिए बनाया गया था, बट फिर कैंसर की ग्रोथ को रिटार्ड करता है. अगर उस टाइम पे थैलिडोमाइड यूज करोगे तो बच्चे में सील लिम्स लाइक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, जिसे हम फोकोमेलिया बोलते हैं एंड फोकोमेलिया लुक्स लाइक दैट, यू कैन सी हियर द लिम्स. ओके, रेटिनोइक एसिड भी सेलुलर ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रिटार्ड करता है. अगर ये चलेगा तो बच्चे में प्रॉपर इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस का फॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, so that's it for the today. The rest of the topic I will discuss with you in early classes. Okay, thank you.